जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री लोकसभा में क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। 1253 केंद्रीय विद्यालय खुले हैं और 6 साल के दशक में चाहे एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, किसी भी मानक को आप देखेंगे तो दूसरी संस्थाओं को सरपास कर रहा है। राजस्थान के संबंध में माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और सुजानगढ़ के संबंध में मुख्य सवाल में उन्होंने पूछा। सुजानगढ़ को लेकर अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं पेश हुआ है और उसकी एक पुरानी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को, जिस नियम को हमें फॉलो करना पड़ता है। माननीय सदस्य मंत्री महोदय, मैंने यही बात पूछी है कि क्या हम पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में दूर दराज के अंदर जहाँ स्कूल है, आज मेरा केंद्रीय विद्यालय जहाँ चूरू में है उससे 150 किलोमीटर की दूरी पड़ती है सुजानगढ़ की, और हम चाहते हैं कि हर एक पॉइंट पे एटलीस्ट हम अमृत सिटीज को तो टारगेट करें जहाँ 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, और सुजानगढ़ को भी आप इसमें प्रायोरिटी लेंगे। इसी तरह आपने जो भी अपने आंसर में बात बताई कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो है उनके 12 स्कूल खोले गए पूरे देश भर के अंदर, जिसमें राजस्थान को एक भी स्कूल नहीं मिला। ये जरूर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर इस कॉन्सेप्ट के साथ में राजस्थान को इससे वंचित किया गया है। आप इसकी शुरुआत सुजानगढ़ से करना चाहेंगे, मेरा आपसे प्रश्न रहेगा। और उस नीति के तहत केंद्रीय विद्यालय का निर्णय लिया जाता है, उसके कुछ मानक भी हैं। पहले तो हमें प्रस्ताव प्राप्त होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा होना चाहिए, गवर्नमेंट के मंत्रालय विभाग इसकी स्थापना कर सकते हैं। साथ साथ प्रोजेक्ट मोड में भी केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण होता है। जो 12 केंद्रीय विद्यालय का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट मोड में भी हुए हैं। राजस्थान हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और आगे भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वहाँ जो हमारी संस्थाएँ हैं उनकी देखरेख को लेकर, उनके व्यवस्थाओं को लेकर हम निरंतर काम करते हैं। हमारी नीति में जो मुख्य प्रावधान है कि किस हिसाब से केंद्रीय विद्यालय स्थापित होगा, पहले तो प्रस्ताव आना चाहिए, जमीन आवंटित होनी चाहिए और टेम्परेरी अकोमोडेशन की सुविधा भी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और केंद्रीय कर्मचारी भी होना चाहिए। जी, मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह करना चाहता हूँ, ये प्रश्नकाल का पहला दिन है, माननीय सदस्यगण भी प्रश्न संक्षिप्त में पूछे, माननीय मंत्री जी भी संक्षिप्त में जवाब दें, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन ले सकते हैं, ये मेरा आग्रह है। श्री गोविंद कारजोल, सभी मान्य सदस्यों को जो प्रथम बार आए उनको पर्याप्त मौका देंगे। मैंने कनी मोदी जी को बता दिया, वरिष्ठ सदस्य को भी आग्रह किया है कि पहले प्रथम बार चुनकर आए उनको प्रश्नकाल में प्राथमिकता देने का मेरा आग्रह है, जिसको सदन मानेगा। आपको बोल गोविंद अभी गोविंद